हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन आई एम बैक विथ माई वीडियो एंड डे बिफोर यस्टरडे वी वर डूइंग वीडियो ऑन मॉर्फीम्स एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी योर कॉम्प्रिहेंशंस ऑल बाय यूजिंग मॉर्फीम्स. ओके, सो वी हैव डन मेनी एंड सम वर लेफ्ट, सो टुडे वी विल कम्प्लीट दिस टॉपिक. सो दिस इज टिप, TYP, इट मीन्स स्टैम्प और इम्प्रेशन फॉर्म. यू कैन सी स्टैम्प, एक स्टैम्प लगी हुई है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ओरिजिनल वर्ड जो होते हैं ज्यादातर ग्रीक या रोम से वर्ड लिए गए हैं जो इंग्लिश में अभी तक चेंज नहीं किए गए, उनको एज इट इज हम यूज कर रहे हैं. तो ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसमें वर्ड्स को चेंज नहीं किया, अमेरिकन इंग्लिश ने अपने बहुत से वर्ड्स को चेंज कर लिया है. तो हमको इन वर्ड्स के मीनिंग्स को याद करना चाहिए. जैसे टिप, TYP, अगर हमको इसका मतलब पता है, स्टैम्प, इम्प्रेशन या फॉर्म, है ना, मोहर या कोई चीज का निशान या कोई प्रकार, स्टिप माने. अब जैसे इस वर्ड में टिपिकल, जब इसमें हमने पीछे लगा दिया, क्या लगा दिया पीछे, ICAL, टिपिकल लगा दिया, यानी कंडीशन. कल माने क्या है, कंडीशन, तो किसी प्रकार का फॉर्म की कंडीशन, तो टिपिकल. तो ये इसका मतलब क्या हुआ, हैविंग स्टैंडर्ड ऑफ नेशनल ट्रेड्स, ठीक है, नॉर्मल ट्रेड्स. अब देखो जैसे दूसरा आया टाइप, इसमें आया टाइपिंग, है ना, टाइप, तो ये भी TYP, टाइप. टाइप माने इम्प्रेशन, फॉर्म कोई चीज का, और इंग माने एक्शन, तो कोई चीज का फॉर्मिंग एक्शन, यानी कि जब टाइपिंग हम करते हैं ना, तो एक्शन ऑफ स्किल ऑफ राइटिंग समथिंग. इसी तरह प्रोटोटाइप, प्रोटो माने क्या होता है, ओरिजिनल, यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म है. टाइपोग्राफी, ग्राफी का मतलब आपको मैंने बोला था राइट, ग्राफी मतलब राइट, तो टाइपो माने फॉर्म ऑफ राइटिंग, तो एक प्रकार की प्रिंटेड स्टाइल है ये. फिर टाइपोलॉजी, टाइपोलॉजी फॉर्म ऑफ स्टडी, यानी ओलॉजी माने स्टडी. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने जो मैंने आपको बताए थे इसमें वर्कशीट्स करने के लिए आपने किए होंगे जरूर, क्योंकि अगर आप इसको संग संग करते जाएंगे तो आपके लिए इजी होगा ये, नहीं तो बाद में आपको ये चीजें फिर दोबारा समझने में टाइम लगेगा. कि आप उसके ओरिजिनल वर्ड लिखिए, जैसे आपने लिखा टाइप, टाइप माने क्या है, उसका मीनिंग लिखिए, ठीक है. जैसे ओलॉजी, इसका मतलब क्या है, ग्राफी, इसका मतलब क्या है, इन सबके वर्ड मीनिंग्स आप अपने पास लिख के रखिए. और जब भी आप कोई कॉम्प्रिहेंशन में ये वर्ड्स आते हैं, तुरंत आप इन वर्ड्स को उससे जब करेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी करने में आसान हो जाएगा. जैसे आप देखो ट्रे या ट्रेन, ठीक है, ट्रे या ट्रेन, ट्रे माने क्या है, अक्रॉस, ट्रे माने क्या है, अक्रॉस, ये भी एक लैटिन वर्ड है ओरिजिनली. देखो ये अक्रॉस जा रहे हैं ना, किस चीज के पार जाना. तो जैसे ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांस प्लस पोर्ट, ट्रांस माने अक्रॉस, पोर्ट माने कैरी, यानी कोई चीज को अक्रॉस द कंट्री कैरी करना, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, कैरी विथ वन प्लेस टू अनदर. अब दूसरा वाला हम देखेंगे क्या है, दूसरा वाला हमारा, दूसरा वाला है ट्रेडिशंस. ट्रे माने भी अक्रॉस और डिशंस माने गिव, डिशंस माने गिव, तो यानी कि अक्रॉस द कंट्री कोई चीज को जब हम देते हैं, यानी कि कोई जो कस्टम या ट्रेडिशन जिसको वन जनरेशन से हम एक दूसरे को पास करते हैं. इसी तरह है ना ट्रांसेंड, ट्रांसेंड भी ट्रांस माने ट्रांसफर करना, ट्रांस करना, अक्रॉस करना, किसी चीज को आ देना. और क्रेंड माने सेंड माने क्लाइम, तो सेंड माने क्या है, क्लाइम, तो ट्रांस क्लाइम, यानी कि टू गो बियॉन्ड द लिमिट. ट्रांसपोर्टेशन, देखो ये में तीन है, ट्रांस, अक्रॉस, पोर्ट. पोर्ट का मीनिंग आपने पहले ही कर लिया था, कैरी और एशन. तो देखिए अगर आपको पोर्ट का मतलब मालूम है कैरी करना, और ट्रांस का मतलब मालूम है, तो आपको फट से मीनिंग आ जाएगा ये वाला. तो दूसरा ट्रांसफर, ट्रांस प्लस फर, ट्रांस अक्रॉस टू बेयर, फर माने बेयर होता है, सहना कोई चीज को, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसमिट, मिट माने सेंड करना, तो अब अक्रॉस द कंट्री कोई चीज को सेंड करना. तो आप देखिए अगर एक वर्ड आपको ट्रांस का मीनिंग मालूम है तो आप कितने सारे नए वोकैबुलरी के वर्ड्स को आप लगा सकते हैं. जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट वर्ड बता पाएं, लेकिन आप उसके आसपास का मीनिंग जरूर निकाल पाएंगे. और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इसमें एक्सेल कर जाएंगे और आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी. स्पेक्ट और स्पेक्ट, देखो दोनों में स्पेक और स्पेक्ट, देखो स्पेक्ट माई चश्मा होता है, टू सी और लुक. अब देखिए जहां जहां हम इसको लगा देंगे, जैसे स्पेक्टेट, एट माने टू बी, तो टू सी टू बी, यानी कि टू वॉच और किसी चीज को ऑब्जर्व करना. रिस्पेक्ट, देखो स्पेक्ट लगा दिया, यानी कि देखना, किसी को कैसे देखना, री दोबारा देखना, यानी कि रिगार्डफुली दोबारा देखना. इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रो माने क्या होता है, खुद, इनवर्ड, अपने अंदर. देखो एक होता है इंट्रा और एक होता है इंट्रो, इन दोनों में भी आपको मतलब पता होना चाहिए. इंट्रो, इंट्रा माने होता है अपने भीतर, अपने ही भीतर, अपने अंदर देखना. और इंट्रो माने क्या होता है, एक, ये दो हैं तो एक दूसरे को देखना, इंट्रा यानी इंट्रो, यानी दूसरे के लिए. जैसे इंटर रीजन ट्रांसफर होता है, इंट्रा रीजन ट्रांसफर होते हैं, है ना. बहुत से ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, माइक्रो, माइक्रो, ऐसे करके बहुत से वर्ड्स मिलेंगे
तो आप इन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान रखते जाइए, जब जब आप पढ़ते हैं ये वर्ड्स आपको आते हैं इनको ध्यान रखिए। इसी तरह रिस्पेक्ट, ठीक है, इंस्पेक्ट, इन माने इनटू, इंस्पेक्ट माने देखना, किसी चीज में देखना, टू लुक अपॉन, रेट्रोस्पेक्टिव यानी रेट्रो, रेट्रो माने बैकवर्ड, सी माने देखना, रेट्रोस्पेक्टिव माने लुकिंग बैकवर्ड। तो आप देखिए कितने सारे, कितने अच्छे डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं इसमें जो आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज रप्ट। रप्ट माने क्या होता है, टू ब्रेक और टू बस्ट, यानी ये भी लैटिन वर्ड है ग्रीक। यू कैन सी इन द पिक्चर द वोल्केनो, वो इरप्ट हो रहा है, वोल्केनो फट के बाहर आ रहा है, ठीक है। अब देखो अब कैसे वर्ड पार्ट्स बना, इरप्ट, ई माने आउट, ब्रेक, आउट ब्रेक हो गया जो, इंटरप्ट, इंटर माने बिटवीन, अभी हमने बताया था इंट्रा इंटर, ये बिटवीन ब्रेक, ठीक है। और रप्चर, रप्चर माने पूरा तरह ब्रेक, टू बस्ट सडनली, डिसरप्ट, डिस्ट माने अपार्ट, आर पार हो जाना, पार्ट अलग अलग हो जाना, ब्रेक, और करप्ट, टूगेदर ब्रेक, यानी टू एक्ट डिसऑनेस्टली। तो आप देखिए एक वर्ड रप्ट होने से आपको कितने सारे वर्ड्स आए। ओके, नाउ यू सी स्पेक्ट, स्पेक्ट हम कर चुके हैं, अब हमारा वर्ड आता है जर, जड, जस, ठीक है। इन सब का मतलब, जर, जस, जड, जस, तीनों का मतलब है लो, यानी कोई चीज नीचे, या जज करना, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, जज, ये जज में जो होता है वो लेके बैठा रहता है ना, जो बोलता है जज, देखो जज माने क्या है, जड, जड के पीछे जी ई लगा है, जड, तो वन हू मेक्स जजमेंट, इसका मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा ना जज करना, जूरी, जूरी भी जज करना, तो जुर ये आ गया, जुरिसडिक्शन, जुर प्लस डिक्शन, जुरिस यानी लो स्पीक, जो द पावर ऑफ अथॉरिटी टू अप्लाई द लॉ, जिसके पास पावर है, प्रेजुडाइज, प्री, प्री माने, प्रेजुडाइज माने प्री माने बिफोर, जुडाइज माने जज करना, यानी किसी को पहले से प्री कंसीव जजमेंट करना, जजमेंट, जज प्लस प्रोसेस, पूरा मेंट करना, पूरा पेमेंट, इसका मतलब है प्रोसेस करना, द प्रोसेस ऑफ गिविंग, ठीक है, फॉर गिविंग जज, इसको हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट मीटर और मीटर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर, मीटर आपको पता ही है, मीटर हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं, मेजर, मीटर माने क्या है, मेजर, ये भी देखो ओरिजिनली ग्रीक वर्ड है, जैसे थर्मोमीटर, थर्मो माने हीट, मीटर माने हीट को मेजर करने वाला, मैट्रिक यानी कि मैट्रिक माने मेजर रिलेटिंग टू, मेट्रोनोम, मेट्रो प्लस नोम यानी मेजर लॉ, जो नोम माने लॉ, लॉ को मेजर करे, ठीक है। बैरोमीटर, बैरो माने वेट, मेजर, जो वेट को मेजर करता है, देन मेजर द प्रेशर ऑफ एटमोसफियर, ठीक है। सिमिट्री, सिमिट्री, सिम प्लस मिट्री, सिम माने टुगेदर, मिट्री माने मेजर, अ शेप दैट वेन डिवाइडेड हैज टू पार्ट दैट हैव सेम साइज एंड सेम पोजीशन, सिमिट्री, इन दोनों की जो कि सेम साइज सेम वेट रहता है उसको बोलते हैं सिमिट्री। दूसरा वर्ड हमारा आता है ट्रैक्ट, ट्रैक्ट माने ड्रैग या पुल करना, देखो खींच के ले जा रहा है, उसको बोलते हैं ड्रॉ, खींच के ले जाना, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का मतलब क्या हुआ, ट्रैक्टर मीन्स पुल और कंडीशन, ठीक है, ट्रैक्टर। फिर अट्रैक्ट, अट्रैक्ट इसका मतलब क्या है, एट माने टू, रैक्ट माने ड्रॉ, यानी कोई चीज की तरफ को खींचना, यानी अट्रैक्ट होना। सब ट्रैक्ट, सब माने टोटल में से, फ्रॉम पुल, ये बीच में से पुल करके बाहर निकाल देना, यानी कोई चीज को माइनस करना। फिर डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कोई चीज को डी माने अवे करना, ट्रैक्ट माने खींच के अलग करना, तो डी ट्रैक्ट यानी अलग हटाना उधर से। और ट्रैक्शन, ट्रैक्ट माने पुल, ऑन माने कंडीशन, तो यानी कि पुलिंग कंडीशन, द एक्शन ऑफ पुलिंग समथिंग, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ट्रैक्ट वर्ड इस टाइप से आपको, इसमें जियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जियो का मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्रीट वर्ड जियो माने क्या होता है, अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, ज्योग्राफी, ग्राफी का मतलब आपको पता है, तो आप एक मिनट में बता देंगे, टू राइट समथिंग अबाउट अर्थ, ऐसे ही जियो थर्मल, थर्मल माने हीट, जियो माने अर्थ, तो हीट ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस बाय इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ। जियोग्राफिक, ग्राफिक का मतलब भी आपको पता है, ड्रॉ करना, तो टू ड्रॉ अर्थ है ना। जियोमेट्रिक, मेट्रिक का मतलब आपको पता है, जियो सेंटर आपको पता है, जियोलॉजी आपको लॉजी का मतलब पता है। तो आप देखिए अगर आपको कितनी चीजों के मीनिंग अपने आप पता चलते जा रहे हैं, इधर बहुत इजी हो जाएगा ये। और ये आता है क्रेड, नेक्स्ट वर्क हमारा कौन सा है, क्रेड, ये भी ओरिजिनली लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिलीव या ट्रस्ट। देख रहे हैं आप एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो ये ट्रस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, अब देखें हम इसमें हमारा कौन सा वर्ड आया, क्रेडिबल, कौन सा वर्ड आया, क्रेडिबल, ठीक है। तो क्रेडिबल, क्रेड प्लस आइबल, क्रेड माने बिलीव करना, आइबल माने किसी एबल, यानी कि किसी पे ऑनेस्टी पे बिलीव करना, जिस पे हम विश्वास कर सकें। क्रीडेंशियल्स, क्रेड प्लस एंशियल्स, एंशियल्स, क्रेड माने बिलीव, एंशियल्स माने किसी कैरेक्टराइज बाय, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं, चाहे जिसका खूबियां बता रहे हैं, क्वालिटीज और एक्सपीरियंस दैट सजेस्ट समवन इज केपेबल। क्रेडिट, क्रेड
क्रेड माने बिलीव, इट माने उसमें बिलीव करना, है ना। इनक्रेडिबल, इन माने नॉट, ये अपोजिट बनाने के लिए लगते हैं, क्रेड बेबल, ठीक। एक्रेडिट, एक्रेडिट माने क्या होता है, एक माने टू, क्रेडिट माने आपको मालूम है बिलीव, ट्रस्ट करना, तो पर्सन और इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन ऑथोराइज, तो इससे क्रेडिबल। तो क्रेड वर्ड का मीनिंग होने से कितने सारे हमको मीनिंग आ गए। नेक्स्ट हमारा है ट्रैक्ट और फॉर्म, हम कर चुके हैं। फॉर्म माने शेप होता है, ट्रैक्ट हम कर चुके हैं, फॉर्म, फॉर्म माने शेप, है ना। फॉर्म, फॉर्मेशन, मेशन माने प्रोसेस, कोई चीज के शेप की प्रोसेस करना। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म माने अक्रॉस, है ना। डिफर्ड, डी डिफॉर्म, डिफॉर्म डी का मतलब होता है ना रिवर्स, उल्टा, डिफॉर्म उल्टी शेप करना। कन्फर्म, कन्फर्म माने टुगेदर, इकट्ठे कोई चीज को शेप करना, कन्फर्म यानी कि टू कम्प्लाई विथ रूल्स। फॉर्मूला, देखो इसमें फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या है, शेप, फॉर्मूला, है ना, तो शेप के बारे में बात कर रहा है, मेथड ऑफ प्रोसेस, इस तरह से फॉर्म का मतलब हमको आ गया। इस तरह से आप ये तो अभी आपने वाले पढ़े जिसमें आपको ग्रीक वर्ड थे, अब ये दूसरे वर्ड्स हैं, आप इनसे कैसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ये आपको एक प्रैक्टिस के लिए मैंने कराए थोड़े से। जैसे इन जॉय, है ना, ये आप प्रीफिक्स लगा के, ये आगे जो लगा है वो क्या है, सब प्रीफिक्स है, और जो पीछे जो लगे हैं वो सब क्या है, सफिक्स है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, कितने वर्ड्स आप अपने वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं। जैसे इंजॉय, ओवर जॉय, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं जॉयबल, जॉयड, इंजॉयड, इंजॉइंग, जॉयफुल, जॉयस, जॉयली, जॉयनेस। तो आप देख रहे हैं कितने सारे वर्ड्स आपने बना लिए। जॉय का मतलब क्या होता है, हैप्पी फीलिंग। अब देखो पैन, पैन का मतलब क्या है, ऑल, पैन मतलब होता है ऑल। ये आपको मैं इसलिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो बहुत कॉमन है और बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे भी पेंडेमिक चल रही है ना, पेंडेमिक यानी ऑल, पेंडेमिक यानी कि स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल गई, पेंडेमिक जो ऐसी चीज जो दुनिया में फैल जाए, तो पेंडेमिक, कोरोना इज पेंडेमिक, ठीक है ना। पैंडीमोनियम यानी टोटल क्योस, पैन का मतलब ऑल है, टोटल, डीमोनियम माने क्योस, क्योस माने कंफ्यूजन फैला हुआ है, ठीक है। पेंजिया यानी, पेंजिया का मतलब यानी कि जो कवर, जो पूरी दुनिया पे जिसने पूरा कवर कर रखा है। पैनिकिया, पैनिकिया आपको पता है जो क्योर, सबको क्योर करते, ऐसी बीमार, ऐसी गोली, ऐसी दवाई सबको। पैनथीजियम, थीजियम का मतलब जरूर है, आप बात करिए बिलीव इन गॉड, थीजिस्ट माने क्या होता है, बिलीव इन गॉड। पैनोरोमा, वाइड व्यू, कोई चीज का लंबा चौड़ा। पैनोपली यानी ऑल, है ना, फुल सबमिट ऑफ आर्म, आर्म एक तरह की ड्रेस रहती है जो सैनिक पहनते हैं। फिर पैनीजिग्रिक, पैनीजिरिक माने फॉर्मल और एलोबरेट प्रेज, किसी की तारीफ करना। तो देखिए आप कितने हाई लेवल के वर्ड्स भी आपको, एक पैन वर्ड थोड़ा सा अगर आपको मालूम हो, और अगर आपके कॉम्प्रिहेंशन में इस टाइप के डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं तो आपको ये ट्रिक बहुत हेल्प करने वाली है। इसी तरह से फिड, फिड माने क्या होता है, फेथ, जहां भी फिड आ जाए आप समझ लीजिए फेथ आ रहा है। जैसे परफिडी यानी ट्रेचरी, डिसलॉयल्टी यानी कि जहां पे बिल्कुल भी फेथ नहीं है यानी डिसलॉयल्टी। कॉन्फिडेंट, कौन माने क्या होता है, टुगेदर, जिसमें आप टुगेदर विश्वास कर सकते हैं, कन्फाइड, ट्रस्ट करना। फिडिलिटी, फेथफुलनेस। कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ कन्विक्शंस, है ना। इनफिडिलिटी, लैक ऑफ बिलीफ। बोनाफाइड, ऑथेंटिक, है ना। डिफिडेंट, लैकिंग सेल्फ बिलीफ। एफिडेविट, देखो फिड फिर में आ गया, ऐसा एक विश्वास का अपने लेटर देना जिसमें आप कसम खा रहे हैं विश्वास की। इनफिडल, इनबिलीवर, जो बिलीव ना करे। ऐसी कॉग, कॉग माने क्या होता है, माइंड, थिंक, नो। कॉग, जहां भी कॉग वर्ड आ जाए समझ लीजिए माइंड से रिलेटेड है, थिंकिंग से रिलेटिंग है, नो इज। जैसे कॉग्निजेंट, अवेयर, माइंडफुल, कॉग्निशेट, टू थिंक हार्ड, है ना, कोजेंट, ये सारे वर्ड्स क्या है, कॉग मतलब जो रिलेटिंग टू थिंकिंग, रिलेटिंग टू माइंड, रिलेटिंग टू। जैसे अभी अभी वाला वर्ड है कॉग्नोसेंटी, सेंटी का वर्ड आप मीनिंग समझ लीजिए, सेंटी माने क्या होता है, जो लोग वेरी नॉलेजेबल पीपल उनको बोलते हैं कॉग्नोसेंटी। तो ये शेंस से थोड़ा सा अभी आगे हम और भी करेंगे। तो ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स याद करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, इनको रिमेम्बर करना बहुत मुश्किल है। तो आपके पास एक हिंट है कि हमको पता है कि कॉक का मतलब क्या है, और इसमें ये मॉर्फीम लगी हुई है पीछे, बाउंड मॉर्फीम है, फ्री मॉर्फीम है, जो भी मॉर्फीम लगी है उसको लगा के हमने वोकैबुलरी को याद कर लेना है, और ये हमको बहुत हेल्प करने वाला है आगे। अब देखो जैसे ग्राफ, अगर आपको एक ग्राफ का मतलब मालूम है, राइट, तो आप देखिए इससे कितने सारे मीनिंग आपको याद हो गए। ऑटो, ऑटो माने सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफिक, ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिक, है ना। बायो, बायो का मीनिंग आपने अभी पीछे पढ़ा, बायोग्राफर, बायोग्राफी, बायोग्राफिकल, बायो, है ना, बायो माने लाइफ, है ना।
जियो अर्थ, जियोग्राफर, जियोग्राफी, जियोग्राफिकल, जियोग्राफिक, और देखो फोटो, फोटो माने फोटो ही आपको पता ही है, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी, फोटोग्राफिकल, फोटोग्राफिक। तो आप देख रहे हैं एक ग्राफ का वो मीनिंग हमको याद होने से हमें कितने सारे वर्ड्स की वोकैबुलरी हमारी बढ़ गई, और अगर एक एक का मीनिंग याद करने जाते तो हमको घंटों लगते, फिर भी हम भूल जाते। अब देखो जैसे साइन, साइन का मतलब हमको याद कर लेना चाहिए, साइन माने क्या, मार्क, जैसे आपको टीचर साइन कराते हैं, है ना। अब आप देखो साइन में हमने कितने प्रीफिक्स लगाए, एस डी री, है ना, तो असाइन, डिसाइन, रिजाइन, तीन वर्ड मिल गए हमको, तीनों के अलग मतलब है। फिर देखो ऐसे बना सकते हो आप साइन पोस्ट, ये कंपाउंड वर्ड बन गया, दो साइन पोस्ट यानी कोई निशान, चौकी का निशान कोई का, साइन पोस्ट, सिग्नल, साइंड, साइनिंग, है ना, सिग्नेचर, है ना, सिग्नेशन, सिग्निफाई, कितने वर्ड्स मिल गए। तो इस तरह से आप इस अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे पेयर, पेयर माने क्या होता है, मेक रेडी, कोई चीज को रेडी। अभी एक लैटिन वर्ड है जो वहां से आया है, ओरिजिनली लैटिन से ही है, ग्रीस का वर्ड है, तो इसका मतलब होता है प्रिपेयर, कोई चीज को अपने आप को रेडी करना। जैसे आपने क्या बना, सी पे, सी पे रेट, क्या बन जाएगा, सेपरेट, सी पे रेट, ठीक है, सेपरेट बन गया, ठीक है। फिर देखो आप क्या बन जाएगा, अनप्रीपेयर्ड, अनप्रीपेयर्ड। फिर और क्या बन सकता है, पेयर्ड, पेयरिंग, पेयरली, है ना, पेयर्स, ये देखो सेपरेटेड, एपरेटेड, कितने सारे वर्ड्स बन रहे हैं, डेस्परेट, प्रिपरेशन, प्रिपेयर, रैम्पैट, रिपेयर, सेपरेट, कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं इससे। इसी तरह लेट, लेट माने क्या होता है, टुगेदर, कोई चीज़ को इकट्ठे करना। इसमें भी देखो आप री लगा दो तो री, री प्लस सी ओ एल, री कलेक्ट, याद रखना, रिकलेक्ट, इलेक्ट, इंटेलेक्ट, है ना, डिलेक्ट, सिलेक्ट, ओके। तो ये अब मैं आपको केवल प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, ये गवर्न जैसे रूल विद अथॉरिटी, तो गवर्न, गवर्निंग, ऐसे। फिर हैप, हैप माने क्या होता है, चांस, फॉर्चून, अनहैप्पी, है ना, अनहैप, मिसहैप, हैप हैजर्ड, ये कंपाउंड वर्ड बन गया। फिर साइड, साइड माने सिट, डिसाइड, है ना, इनसाइड, प्रिसाइड, रिसाइड, सबसाइड, इसे मिट, मिट माने सेंड, ठीक, मेयर, हॉर्स मेयर जैसे होता है, अल्ट्रा मेयर, एक्वा मेयर, एंटी मेयर, ठीक है। माइग्र, माइग्र माने क्या होता है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक, इमिग्रेंट, पढ़ा आपको वर्ड ये, आपने स्कूल में माइग्रेशन होता है, जैसे माइग्रेशन, है ना। फिर देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमनी, ओमनी सी शियंट, ओमनी शियंट, ओमनी माने क्या होता है, जो सब जानने वाला, ऑल, जो सब जानता है, तो अनकॉन्शियस, असब कॉन्शियस, है ना, ओमनी शियंट, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स आप इससे बना सकते हैं, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। फिर वेपर, वेपर माने क्या होता है, स्टीम, हीट, तो वेपराइज, वेपरेट, वेपराइज, वेपरस, ठीक, ओके। केव, केव माने क्या होता है, हॉलो, जो चीज खाली है, खोखली, एक्सकेव, कॉनकेव, है ना, एक्सकवेशंस, खोदना, केवमैन, ये सब। यूज, यूज वर्ड तो आपको पता ही है, मिस यूज, डिस यूज, एब्यूज, अनयूज, रीयूज, कितने सारे वर्ड्स हम बना सकते हैं। जी, जियो से वाला भैया है, जी से अर्थ, जियोग्राफी, ओ यहाँ दिया हुआ है इन्होंने इसमें, जियोग्राफी, जियोलॉजिक, जियोमीटर, जियोफिजिक्स, जियोथर्म, कितने सारे। वॉच, वॉच माने क्या होता है, टू कीप वॉच, देखना किसी चीज को, तो री वॉच, अनवॉच, वॉच टावर, वॉच वेकर। फिर टेक्निक, टेक्निक माने आर्ट, स्किल, क्राफ्ट, है ना, तो इसको आप कर सकते हैं बायोटेक्निकल, है ना, पैन टेक्निकल, पॉलीटेक्निक, कितने सारे वर्ड्स बनते हैं इससे। ऐसे अनरिलायबल, देखो इसमें कितने सारे, अनरिलायबिलिटी, अनरिलायबिलिटी, तो इसमें एक दो तीन तो हैं बाउंड मॉर्फीम्स और एक है आपका रूट वर्ड रिलाय। तो अब आप देखिए चार मॉर्फीम्स मिलके बन रहा है, ये बेस वर्ड है, ये रूट वर्ड है, इसमें हमने प्रीफिक्स सफिक्स लगाया। आई होप अब आपको ये बिल्कुल वीडियो क्लियर हो गया अच्छे से, और आप मॉर्फीम्स के बेस पर कैसे अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर जरूर वर्क करिए। और ये वन वीडियो देखने से, दो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपनी कॉपी बनाइए जिसमें ऐसे वर्ड्स के मीनिंग लिखते रहिए जो रूट वर्ड्स हैं, और उसके ऊपर आप ढेर सारे वर्ड्स बना सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।